फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह हो गया आप सबको मदद से, राम राम जी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है टंग ट्विस्ट से। तो मैं बच्चों को चैलेंज दूंगी, तो देखते हैं ये बच्चे चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो इन सब की तरफ से भी राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार देवी और सज्जनों। और लवण्या का कहता सुबह 5 बजे सोई थी, इतनी मुश्किल से, इतना रो रही। तो पता नहीं आज जितनी बड़ी होती जा रही है उसको पता नहीं क्या होता जा रहा है, बहुत रोती है बहुत। तो इन्होंने बोलना है रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, 5 बार बोलना है, ठीक है ना? डो स्टार्ट। रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, रोटी जा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा। उसके बाद है मन्नू का नंबर। नहीं बोल भाई बोल, रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, रोटी खा के पोटी जा, पोटी खा के रोटी खा। इसके बाद इसका नंबर है, ये तीसरा नंबर पे नहीं, तेरा तेरा तीसरा नंबर। रोटी खा के पोटी जा और पोटी खा के पोटी जा के रोटी जा। तो अब आ गई है मंजीत की बारी, मंजीत बोलेगा रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी जाके पोटी खाओ, रोटी जाके पोटी खाओ, रोटी जाके पोटी खाओ, पोटी जाके रोटी खाओ। तो क्या कहते हैं इसमें ना सभी हार गया, खैर मैं भी हार जाती अगर मैं भी 5 बार बोलती। तो मैं भी बोलता हूँ, तू बोल। चलो रुको गाइस, 0.25 की स्पीड है। रोटी खा के पोटी जा, इधर ज्यादा स्लो मोशन हो गया, रोटी खा के पोटी जा, अन्नी देर से सारे गाइस ने पा दिया, रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा, रोटी खा के पोटी जा, पोटी जा के रोटी खा। पहले तो हार गई, पहले तो हार गई। तो अब बच्चों का टंग ट्विस्ट हो गया और मन्नू का भी नहा लिया, नहा के वो कर रहे हैं वहाँ पे पूजा, और ये यहाँ पे नहा के अब क्या कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। तो बाहर बहुत तेज धूप है, तो मेरे तो ना आंखें नहीं खुल रही हैं धूप में आके, और मम्मी नहा नो के यहाँ धूप का नज़ारा ले रही है। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी। तो मम्मी को छोटा वाला मंजा ला रहे थे, मम्मी कहती मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी धूप में ना। तो इनकी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर ये प्रसाद बन रहे हैं। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी, प्रसाद, जय श्री राम, जय श्री राम। मम्मी का, मम्मी बाहर है, कोमल यहाँ पे रोटी बना रही है आज है? आज नहीं आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए कि आज कोमल रोटी बना रही है। वैसे रोज ही रोटी बनाती है, ठीक है। बच्चे सारे यहाँ पे खाना खा रहे हैं, सारे बच्चे मिलके आज डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, ये देखो है। और भाई ठीक ठाक है? हैं? हाँ, और मम्मी बाहर खा रही है आज खाना, तो कहते धूप में बैठ के खाना, धूप के नज़ारे लेना है। तो ये खा रहे हैं मम्मी, यहाँ खाना खा रहे हैं। मम्मी रोटी लेके आता हूँ, मम्मी रुक जाओ। कमे रोटी, ये देखो आज चार चार पांच कट्ठे खा रहे ना, तेरा स्पीड देखना है, टेस्ट करना है, स्पीड टेस्ट। सब बच्चों का खाना पीना हो गया, तो अब यहाँ पे मन्नू के पापा खाना खा रहे हैं और इधर बच्चे ये खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए मुझे क्या कहते हैं थोड़ा सा लड़की का सुख मिला हुआ, इसको मैंने बोला मत मांझ मत मांझ, लेकिन ये हट नहीं है रही है, ये खाना खा कर इसको बर्तन इतने सारे साफ कर दिए हैं लाडू रानी ने। तो अब बस मैं अपना दाल दूल गर्म कर रही थी, मैं खाऊंगी और सब्जी गर्म कर रही थी। मन्नू के पापा कहीं जाना था, तो तीनों लड़के मन्नू के पापा के साथ चले गए हैं, बस लड्डू यहाँ पे रह गई है और लवण्या यहाँ पे है, और मम्मी क्या कहते हैं बाहर है धूप में। तो मैं जा रही हूँ भी क्या कहते हैं ब्लॉग की थंबनेल बनाना है, एडिटिंग तो मैंने रात को कर दी थी, लेकिन रात लवण्या इतना रो रही थी ना बहुत ज़्यादा, वरना मैं थंबनेल बना के अपलोड भी कर देती, इनको बोला अब ये चले गए। तो मैं थंबनेल बना के फिर वीडियो अपलोड करके फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो ये देखिए ना चिड़िया ना, ये कहते पानी में पानी भी पी रही थी, साथ में नहा भी रही थी, और 2-4 और आई थी, तो इन्होंने लड़के उसको भगा दिया बेचारी को। तो यहाँ पे मैं नहा नो के होगी हूँ तैयार, तो अब मैं जाऊँगी किचन में और क्या कहते सब्जी सब्जी बनाऊँगी। और लवण्या बच्चों को भी यहाँ पे तैयार कर दिया है, बिल्लू रानी को रात को इतना परेशान करती है, दिन में ठीक रहती है ना, टेढ़ी होगी ना, इधर हो जाओ बेटा इधर, ठीक है। और क्या कहते हैं मन्नू और मन्नू का पापा अभी तक नहीं आया है, और लाडो ने क्या कहते हैं ये मेरा सिर बनाया, सिर बनाया मतलब ये हेयर स्टाइल किया मेरे को नया, है ना। तो मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसा हेयर स्टाइल अब करवाया, वो भी इस बच्चों ने कर दिया, कहती मासी मैं आपका हेयर स्टाइल बनाऊँगी,
तो मैं कहा चलो ठीक है बना दो फिर। और यहाँ मम्मी बैठी है, बस हम इंतज़ार करते बच्चों का, बच्चे अभी आए नहीं हैं और मैं अभी जा रही हूँ किचन में सब्जी बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी लवण्या बिटिया रानी यहाँ बैठी है। ये देखिए कैसे बैठी है लवण्या। ओए लवण्या बेटा, ये क्या हो गया लवण्या? हेलो लवण्या, मैं हूँ लवण्या, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ। अरे सो लगी, निन्नी आ गई लवण्या, निन्नी आ गई। ये देखो कौन है लवण्या के सिर के ऊपर, देखो कौन है ऊपर, देख आ देखो कौन बैठा सिर के ऊपर। लवण्या के सिर पे कौन है? इधर दी मुंडी जी फड़ के इधर खींच दे। लवण्या, लवण्या तेरे सिर पे कौन बैठा है? देख कौन है, ये देखिए। ये क्या है? ये बहुत पुरानी टोपी है, इतनी पुरानी टोपी है। ये मैं और क्या कहते मम्मी और मेरी छोटी बड़ी सिस्टर, हम लोग ना मोरिंडे से कहीं से आ रहे थे, तो वहाँ से टोपी ये सेब बिक्री थी, तब मैंने ये टोपी खरीदा था, बहुत मुझे अच्छा लगा था और इसको मैंने बच्चों के लिए ले लिया था कि बच्चे चलो थोड़ा खेल लिया करेंगे। और ये जो कोटी, ये जैकेट, ये वाली ऊपर वाली कोटी पहनी हुई है, ये लाडो दीदी की है, ये इस लाडो दीदी की लवण्या ने पहनी हुई है। बच्चे एक दूसरे के कपड़े पहनते रहते ना ऐसे में। अब क्या कहते एक दो साल और आएगी, फिर उसके बाद एक कोटी फिर छोटी हो जाएगी लवण्या को। अच्छा तो ये क्या कहते इसके पीछे ना, ये यहाँ पे ये वाला पास है, ये डबल टोपी है, डबल टोपी है, ये डबल साइडेड है। देखिए ये देखिए, तो ये देखो ये कौन है? मैं हूँ शिप, शिप है ना पता नहीं। अरे लवण्या हंसी, लवण्या ये लवण्या के सिर पे कोई और आके बैठ गया। अभी ये देखिए कौन है, ये कौन है? ये लवण्या बिट्टू है ना। क्या हो गया लेटे? अभी थोड़ी देर पहले ही बैठाया, अब इसको नींद आने लगी। मेरी तरह आलू सोयाबीन की सब्जी रख दी मैंने, तड़का तुड़का लगा दिया, दूध गर्म कर रही हूँ और अब गूंदने लगी मैं यहाँ पे आटा। और गूंदने के ऊपर से बात हुई थी तो वो भी बस आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं, निकल गए हैं। तो यहाँ पे लड्डू और मम्मी खा रहे हैं रोटी। तो यहाँ पे ये सब लोग आ चुके हैं और आके इनको भूख लगी थी तो ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं अभी। तो डिनर वगैरह हम सबका हो गया था, अब हम कर देंगे पार्टी नए साल की। तो नया साल थोड़ा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा तो इसलिए हम करेंगे अब डांसिंग डांसिंग थोड़ी सी सब लोग। तो सब तैयार हो गए, तो इतना यहाँ पे सब तैयार हो गए हैं। गाइस मैं डीजे वाला हूँ, डीजे वाला, डीजे वाला नहीं कोई बनूंगा, इधर आओ। मैं डीजे लगाऊंगा, वॉच लगा के स्टैंड लगा देंगे अपन, ठीक है? इधर आओ, चलो। तो अब सब डांस करेंगे, ठीक है? ओके मैं देखूंगा। तो अब हम लोग नए साल पे फर्स्ट टाइम लाइफ में हम लोग केक काटने लगे हैं नए साल पे। वो फ्रेश चाकू लड्डू रानी बैठी है, मेरा रसगुल्ला भाग गया, इनका रसगुल्ला एक भाग गया, मैं रसगुल्ला निकल के नीचे गिर गया। मैं लवण्या को भी खिला देती हूँ
और मम्मी अंदर खा रही है और मैं अंदर बनना खाएंगे और आप सब भी खा लीजिए, मुँह मीठा कर दीजिए नए साल पे। तो यहाँ पे मम्मी खा रही है और मैं लवन्या को खिलाऊंगी। लवन्या अंदर है ना, तो इसको लिटा दिया था, रोने लग जाती है पता नहीं क्यों, बस बोलते मेरे को लिटा दो। हाँ हाँ, दे रही है। तो लवन्या भी हैप्पी न्यू ईयर बोल रही है आप सबको। तो अभी जा रही हूँ, क्या कहते हैं, मैं और मन्नू के पास जा रहे हैं डॉगी को रोटी देने के लिए। और अभी रात के हो गए हैं 12:30। तो इस ब्लॉग को, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। फिर से एडवांस में, एक और फिर से हैप्पी न्यू ईयर ये बोलना था, गाइस आधा घंटा हो गया नए साल को शुरू। आज सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा प्रण लिया है, तो ये बच्चे इस साल सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे।